प्रेस क्लब ऊना और वन विभाग के संयुक्त रूप से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुटलैहड़ क्षेत्र के गांव बॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने 150 के करीब पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के संरक्षक कंवर हरि सिंह व डीएफओ ऊना यशुदीप सिंह वरिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा व महामंत्री जितेंद्र कंवर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उपमंडल बंगाना के गांव बॉल में प्रेस क्लब के सदस्यों ने करीब 150 पौधे रोपे और ये संकल्प लिया कि उनकी सफलता के लिए समय समय पर क्लब के पदाधिकारी इसका निरीक्षण भी करेंगे। क्लब के प्रधान सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि धरती के सिंगार को बेहतर बनाने के लिए हर नागरिक को पौधे लगाने व उनके संरक्षण के लिए संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण में असंतुलन के दौर को पौधारोपण से ही खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल व वन बचाने के लिए पौधारोपण एक कारगर उपाय है। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब आने वाले समय में पौधारोपण को लेकर जहां और कार्यक्रम करेगा, वहीं मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी अहम भूमिका भी अदा करेगा। आज प्रेस क्लब जैसे कि हमारा सामाजिक सरोकार का एक कार्यक्रम होता है, उसी के तहत हर वर्ष हम पौधारोपण कार्यक्रम करते हैं और आज हमने प्रेस क्लब ने सामूहिक तौर पर इसी सरोकार के तहत प्रकृति बचाओ और संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण करो, उसके तहत बॉल में पौधारोपण कार्यक्रम किया है वन विभाग के सौजन्य से। और ये हमने 100 से अधिक यहाँ पे पौधे लगाए हैं। हम भविष्य में भी इनके संरक्षण और इन्हें लगाने के लिए प्रेरणा भी देंगे और खुद भी इसमें भागीदार बने। वन मंडला अधिकारी यशुदीप सिंह ने कहा कि वन विभाग भविष्य में भी प्रेस क्लब को पौधारोपण में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक भागीदारी से वन विभाग 50,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगा रहा है, वहीं इस मानसून सत्र में कुल 1,25,000 पौधे रोपे जाएंगे।